नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। डायबिटीज की समस्या से करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। ये बीमारी प्रमुख तौर पर दो तरह की होती है, पहली टाइप 1 डायबिटीज T1D और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज T2D। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या बेहद कम मात्रा में बनता है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के शरीर में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। इन दोनों ही कंडीशन में मरीज का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को रोज शुगर लेवल चेक कराने की सलाह दी जाती है, ताकि इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या डायबिटीज के मरीजों को रोज ब्लड शुगर चेक करने की जरूरत होती है? अगर हाँ, तो दिन में कितनी बार शुगर चेक करनी चाहिए और किस वक्त करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? इन सभी सवालों का जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं हम आज इस वीडियो में, दिन में कब और कितनी बार ब्लड शुगर लेवल चेक करनी चाहिए। कितनी बार चेक करें शुगर लेवल? शुगर के मरीजों को दिन में कम से कम 2 बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए, ब्रेकफास्ट से पहले और लंच या डिनर के 2 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करना जरूरी माना जाता है। अगर आप 2 बार नहीं कर पा रहे तो कम से कम 1 बार शुगर लेवल जरूर चेक करें। खाने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल 100 mg से कम होना नहीं चाहिए और खाने के बाद 180 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर शुगर लेवल इससे ज्यादा है तो डॉक्टर से जरूर और जल्द संपर्क करें। मरीज को 3 से 4 बार शुगर लेवल करें चेक। डायबिटीज के मरीज जो इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन की डोज लेने से पहले हर बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना जरूरी है। कुछ लोगों को दिन में 2 से 3 बार और कुछ लोगों को 4 बार इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को दी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, तब उन्हें भी डायबिटीज की डोज दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।